गोपी नाम की लड़की की शादी एक गरीब आदमी से हो जाती है और शादी के बाद वह अपने पति से कहती है, अरे मैंने तो सोचा था तुम मेरा सारा खर्चा उठाओगे और मुझे बहुत ऐशो आराम से रखोगे, और तुम तो साले कंगाल निकले, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तभी बेचारे गरीब आदमी को छोड़कर वह तलाक ले लेती है और अपने छोटे से गांव को छोड़कर बड़ी सिटी दिल्ली आ जाती है, और दिल्ली में जाकर वह कहती है, अब यहाँ मैं अपनी खूबसूरती दिखा के जाने कितनों को पटाऊंगी और सबसे पैसे ऐंठूंगी। तभी वह अपनी खूबसूरती का जाल बिछा बिछा के बहुत से लोगों को फंसाती है और उनसे पैसे ऐंठ के चलती बनती है। ऐसे ही वह कई लोगों को अपने जाल में फंसा फंसा कर पैसे ऐंठ लेती है। अब वह एक दिन सोचती है, क्यों ना मैं दिल्ली शहर से कहीं और दूसरे शहर चली जाऊं, क्योंकि मुझे दिल्ली में रहते रहते काफी समय हो गया है, कहीं पुलिस ने मुझे ढूंढ ली और फालतू में मैं पकड़ी जाऊंगी, इससे अच्छा है मैं किसी दूसरे शहर भाग जाऊं। और वह बहुत सोच विचार कर जल्दी से मुंबई शहर के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, एक अहम नाम का लड़का उसे दिखाई देता है और वह पूछता है, अरे मैडम आप कहाँ जा रही हो? और वह जानबूझकर उससे टकरा जाती है। जैसे ही वह उससे टकराती है तो अहम बोलने लगता है, अरे 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 क्या हुआ मैम, आप ठीक तो हैं? तभी वह कहती है, जी जी मैं ठीक हूँ, अरे वो मैं। तभी अहम कहता है, अरे अरे आप बोलिए कोई बात नहीं। तभी वह कहती है, जी मैं पहली बार मुंबई आई हूँ, इससे बहुत घबराहट हो रही है मुझे। तभी एम कहने लगता है, अच्छा आप पहली बार मुंबई आई हो तो आप पर कोई रहने का ठिकाना भी नहीं होगा। तभी गोपी कहती है, हाँ पर आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही कोई ठिकाना रहने का ढूंढ लूंगी। तभी एम कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ये मुंबई शहर है, यदि आप किसी गलत आदमी के हाथ पड़ गई तो बहुत ही परेशान हो जाएंगे, चलिए मैं आपके रहने का इंतजाम करता हूँ। तभी गोपी कहती है, अरे नहीं नहीं मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, आपके साथ कैसे चली जाऊँ, कैसे आप पर विश्वास कर लूँ, मैं आपका नाम भी नहीं जानती। अरे इस नाचीज को अहम कहते हैं। जी आप खामखा मेरे लिए इतने परेशान हो रहे हैं। जी नहीं आप फिक्र करने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपको अच्छे से घर ले जाऊंगा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ मेरा नाम गोपी है। अहम गोपी को अपने दोस्त के घर रहने को देता है और रोज रोज गोपी से मिलने अपने दोस्त के घर जाने लगता है। तभी एक दिन वह अपनी माँ कोकिला से कहता है, माँ मैं आपको एक लड़की से मिलवाना चाहता हूँ, मैंने उसे पसंद किया है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, बेचारी वो लड़की बहुत ही अकेली है। माँ ठीक है मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैंने तो वो देखी ही नहीं है। अरे माँ आप उसको कल देख लेना, पर उसमें कोई कमी नहीं है इतना मैं कह सकता हूँ, यदि कोई कमी भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। कोकला कहती है, ठीक है तू मुझे उससे कल मिलवा दे। तभी उसका छोटा भाई जिगर उसके पास आता है और वह भी अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने भी एक लड़की देख रखी है, आप उसे भी देख लीजिए। तभी कोकला कहती है, ठीक है अब तुम दोनों भाई ने तय कर ही लिया है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कल अपनी पसंद की हुई लड़कियों को अपने घर बुला के लाओ। तभी दोनों दूसरे दिन अपनी पसंद की हुई लड़कियों को अपने घर लेके आ जाते हैं। तभी कोकला से पूछती है, हाँ तो पहले अपना अपना नाम बताओ। तभी लड़कियाँ कहती है, जी मेरा नाम गोपी है, और दूसरी जी मेरा नाम राशि, और मैं जिगर जी से बहुत ही प्यार करती हूँ। तभी कोकला कहने लगती है, तुम्हें सिर्फ प्यार करना ही आता है या खाना भी बना लेती हो? तभी गोपी कहने लगती है, जी मुझे थोड़ा खाना बनाना आता है और मैं सब कुछ आपके घर में सीख लूंगी। तभी राशि कहती है, मुझे तो सब कुछ बनाना आता है। तो कोकला कहती है, ठीक है। तभी कोकला दूसरे दिन पंडित के पास जाकर मुहूर्त निकलवाती है। तभी गोपी एक दिन अकेले में अहम से मिलती है और कहती है, अहम जी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तभी एम कहता है, क्या बात है गोपी साफ साफ कहो। जी मैं बहुत परेशानी में हूँ। एम कहता है, क्या बात है? जी मेरी शादी पहले एक बार दिल्ली में हो चुकी है और वह आदमी मुझे बहुत ही परेशान करता था, अब वह आदमी मुझसे तलाक
कि मैं उससे तलाक लेने की कोशिश कर रही हूँ तो वह 5 लाख रुपए मांग रहा है। तभी एम कहता, अरे इतनी सी बात, मैं तुमको 5 लाख रुपए दे दूंगा, तुम चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तभी गोपी कहती है, अरे एम जी आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरे लिए 5 लाख रुपए दे दिए। तभी एम कहता है, गोपी मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ और 5 लाख तो क्या, मैं तुम्हारे लिए 50 लाख भी दे सकता हूँ। तभी गोपी सोचने लगती है, मूर्ख आदमी तेरे 50 लाख तो क्या, मैं तेरा सारा पैसा तेरी शादी के बाद गायब कर लूंगी और तुझे कंगाल करके छोड़ूंगी। तभी एम कहने लगता, अरे गोपी तुम क्या सोच रही हो, ये लो 5 लाख रुपए और अभी उस आदमी के मुंह पर फेंक कर आओ और उससे तलाक लेकर आओ। तभी गोपी और एम की शादी खुशी खुशी हो जाती है और उसी मंडप में राशि और जिगर की भी शादी हो जाती है। दोनों बहुएं खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती हैं। तभी वह कोकिला का आशीर्वाद लेने जाती हैं और कोकिला कहती है, अरे दूधो नहाओ पूतो पलो खुश रहो, और वह अपनी तिजोरी की चाबियां उन दोनों बहुओं को दे देती है और कहती है, तुम दोनों जितना जी चाहे उतना खर्च करना, कभी किसी से मत पूछना और खुश रहो बस, और मेरे बेटों को खुश रखो। तभी दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं और एक कमरे में चली जाती हैं और कोकिला उन लोगों से कहती है, अरे बेटियों अभी बैठो जरा, मैं आपके लिए चाय नाश्ता सब बनाकर भेजती हूँ। तभी दोनों बहुएं वहाँ कमरे में बैठती हैं और कोकिला चली जाती है। तभी राशि कहने लगती है, अरे भाभी ये तो मालदार पार्टी है, लगता है इनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, तो क्या देखते हैं भाभी जल्दी से कैश और जेवर लूटो और यहाँ से भाग लो। तभी गोपी कहती है, अरे क्या तू भी इन्हें लूटने ही आई है, और क्या आप भी लुटेरी हैं? हाँ तो क्या अब आप दोनों की खूब जमेगी, तो फिर ऐसा करते हैं इनको आज रात ही लूट कर भाग जाते हैं। ये देख मेरे पास एक नशीली पुड़िया है, इसको इन लोगों के दूध में मिला देंगे। तभी और तू सुन सो मत जाना। तभी राशि कहती है, अरे इस दौलत का तो मैंने कब से इंतजार किया है और मैं ही सो जाऊंगी, अरे भाभी ऐसा नहीं होगा। तभी गोपी कहती है, अब चुप हो जा, लगता है कोई आ रहा है। उस नशे की पुड़िया को उन कोकिला और उनके दोनों बेटों के दूध में डाल देती हैं और उनको बेहोश कर देती हैं और साला माल लपेट कर भाग जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बगल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में।